Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut शहर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कांटे की टक्कर पर पहुंच गया है। जैसे जैसे प्रचार समाप्ति का दिन नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों ने अपने कदमों की चाल तेज कर दी है। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रचार को भी कम कर दिया है, ऐसा उनके मन की हार के चलते हो रहा है। वहीं शहर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा ने प्रचार में जी जान लगा दिया है। उनके धर्मपत्नी रूपा शर्मा भी अपनी टीम के संग घर घर पहुंचकर कमल की दस्तक दे रही हैं। फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं मेरठ विधानसभा के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा जी की धर्मपत्नी अपने चुनाव प्रचार के लिए आई हैं। देख पा रहे कि महिलाओं की तरफ से उन्हें काफी सहयोग और सपोर्ट मिलता दिख रहा है। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। मैम, आपके चुनाव प्रचार की कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है इस बार जीतने वाले कमलदत्त जी? हमारा चुनाव प्रचार आप देख ही रही हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आ रही है, वैसे वैसे हमारा प्रचार भी बढ़ रहा है। महिलाएं और सब भाई हमारे साथ आ रहे हैं और वो आगे बढ़ के उत्साह के साथ जोश से योगी मोदी जी को जिताने वाले हैं और जिताएंगे। इस बार भी यूपी में योगी जी की सरकार आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र से आपको क्या लगता है, कितना सहयोग आपको मिलने वाला है? ब्रह्मपुरी क्षेत्र से हमें 99% का सहयोग मिलेगा। 1-8% अगर रह भी जाए वो भी हमारे भाई बंधु हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई फिर भी हमारे साथ बहुत पूरा सहयोग चल रहा है सबका। 99% हम जीतेंगे। कमलदत्त शर्मा जिंदाबाद। उमा चतुर्वेदी। मैम, देख पा रहे हैं कि महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है कमलदत्त शर्मा जी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो व्यक्ति ऐसा है, कोई भी धर्म और जाति को लेकर नहीं रहा। आज तक वो सबके गरीबों के लिए काम करता है। उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आई, फिर भी उसने पब्लिक का साथ नहीं छोड़ा और पब्लिक आज उसके साथ है। जो पब्लिक के साथ है, पब्लिक उसके साथ है, तो आज देख रहे होंगे आप, चाहे हमारे पार्टी के हो या ना हो, हर व्यक्ति कमलदत्त को चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए शहर विधानसभा के लिए कि जो हर जाति को काम करे। जय श्री राम। मैं ऋतु शर्मा और अग्निशैन मंडल की मैं अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। मैं आपकी क्या लगता है, महिला होने के नाते आपको विपक्षी पार्टी की? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि भय मुक्त समाज, हमारी महिलाओं के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने किया और किसी ने भी नहीं किया, तो सबसे मेन मुद्दा तो यही आता है कि हम सारी महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए योगी मोदी सरकार को ही जिताएंगे। और रही बात हमारे कमलदत्त शर्मा जी की, तो उन्होंने बहनों के लिए इतना काम किया है, कोई बहन किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, उनके पास अगर चली गई, निराश नहीं हुई, वो सबका काम कराते हैं, किसी भी तरीके का काम हो, तो हम तो उन्हें ही जिताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नूपुर जौहरी है, मैं महिला मोर्चा में महानगर में महामंत्री हूँ। आप कमलदत्त शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है वो जीतते हैं तो महिलाओं के लिए वो अच्छे कार्यकर्ता? महिलाओं के लिए भी, वो तो महिलाओं क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सभी के लिए वो अच्छे कार्य करने वाले हैं। आपको मैं बताऊँ, हम 10-15 साल से तो मैं देख रही हूँ वो जनता दरबार लगाते हैं, और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी जाति वर्ग का इंसान हो, अगर उसने आधी रात को भी फोन किया, कमलदत्त शर्मा जी वहाँ हमेशा मौजूद रहे, हर एक की समस्या उन्होंने सुलझाई है, और आज इसीलिए वो सबके प्रिय हैं, और आज हर जनता उन्हें इसीलिए चाहती है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शहर विधायक कमलदत्त शर्मा जी ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, वो ही बनेंगे। आपका परिचय सर? राकेश गौर। राकेश जी, आपको क्या लगता है कमलदत्त जी इस बार बीजेपी की सीट जीतने वाले हैं? निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के सदे हुए कार्यकर्ता है तुम भैया, उसी नीति के अनुसार सभी का साथ, सभी का विकास काम किया, सभी की सेवा की, इसलिए हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया जीत लेने वाला। हाँ, गठबंधन है, आप ये समझिए कि अगर किसी को गठबंधन करना पड़ रहा है तो कहीं ना कोई कमजोरी है, उन्हें लगा वो अकेले हमारे सामने नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए गठबंधन का, उसके बावजूद भी हमारे सामने कोई नहीं टिकरा। निश्चित तौर पे हम बढ़िया जीत ले रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं। मेरा नाम चिराग बाघवा है। सर, आपका क्या
पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार भी बनेगी और कमल दास शर्मा जी का भी पूर्ण बहुमत से है, जिन्होंने अभी तक जनता दरबार लगाया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए उन्होंने रक्षाबंधन पे सभी माताएं बहनें सभी बहनों को बुला के राखी बंधवाई और इतना बड़ा यह सहयोग दिया उन्होंने। ये आज जो महिलाएं जो इनके साथ हैं तो इसीलिए ही आपको दिख रहा होगा कि आज कमल दास शर्मा जी पूर्ण बहुमत जीतने वाले। जैसे कि विपक्ष की तरफ से कुछ बयानबाजी आ रही है हिंदू उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो वो फिर असामाजिक लोग हैं तो फिर बहुत हिंदू गर्दी या ये सब बोलेंगे ही, पर हमारे हम तो ऐसे ही समाज के लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग गलत बात नहीं बोलते, हमारी मानसिकता नहीं है ऐसी और हम लोग तो बिल्कुल स्पष्ट बात बोलते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।